أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حاضر محترم, गुज़श्ता जुम्मत मुबारक को आका करीम रूहुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्मे गिरामी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके हवाले से कुछ बातें आपको गोश गुजार की थी कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को सारे इंसानों में, सारे नबियों में और सारे रसूलों में बेमिसल और बेमिसाल बनाया है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को जो नाम अता फरमाया वो नाम भी सारे नामों में बेमिसल और बेमिसाल है। और ये ऐसा जामे नाम है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की ज़ाते अक़दस पर सजदा है, ये जो तकाजा करता है वो सारी खूबियाँ, वो सारे कमालात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक में जमा फरमा दिए हैं। कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने चार मकामात पर सरकार के इस नाम मुबारक का जिक्र फरमाया है। वैसे तो और भी आपके नाम हैं, लेकिन जो आपका ज़ाती नाम है, दो ज़ाती नाम, एक मुहम्मद एक अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहमद भी आपका ज़ाती नाम है, वो पूरे कुरान में एक जगह आया है, और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी आपका ज़ाती नाम है, और कुरान मजीद में चार मकामात पे आया। एक यही आयत जो भी मैंने खुतबे में तिलावत की, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दूसरा सूरह अहज़ाब में परवरदिगार आलम ने फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि वखातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वो अल्लाह ताला के रसूल हैं और सारे नबियों में आखिरी नबी हैं। और फिर सूरह मुहम्मद में एक मकाम पे, ये पूरी सूरत ही सरकार के इस्मे गिरामी के नाम पर है, उसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वा आमनू बिमा नुज़िला अला मुहम्मद, ईमान लाओ उस पर जो हमने अपने महबूब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। और चौथा सूरह फतह के आखिर में फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह وَالَّذِينَ مَعَهُ وَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے معاملے میں بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحمدل ہیں۔ چار مقامات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نام مبارک کو خالق کائنات نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا, और सरकार ने अहादीस में भी अपने कई नाम बयान फरमाए, और उनमें सर फहरिस्त
इसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान फरमाया। हज़रत जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार के एक सहाबी हैं, फरमाते हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नी अस्माउ, मेरे कई नाम हैं, अना मोहम्मद व अना अहमद व अनल हाशिम। सरकार ने इरशाद फरमाया, मैं मोहम्मद भी हूँ, मैं अहमद भी हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सरकार ने इरशाद फरमाया, मेरा नाम हाशिम भी है। और इसकी वजाहत करके फरमाया, अल्लज़ी युहशरुन नासु अला क़दमैया, लोगों का हशर मेरे कदमों पे होगा। यानी कयामत के दिन सबसे पहले मैं उठूंगा और फिर मेरे पीछे पीछे ये सारे लोग उठेंगे। और इसी हदीस में सरकार ने इरशाद फरमाया, वा अनल माही, मेरा एक नाम माही भी है। और माही का मतलब भी आपने खुद बयान फरमाया, अल्लज़ी यमुल्लाहु बिल कुफ्र, माही उसे कहा जाता है, अल्लाह जिसको भेज के कुफर को मिटा देगा। तो परवरदिगार आलम ने मेरी वजह से कुफर को मिटा दिया है। और फिर आपने इरशाद फरमाया, वा अनल आकिब, मेरा एक नाम आकिब भी है। और इसकी वजाहत करके फरमाया कि आकिब वो होता है जिसके बाद फिर कोई नबी नहीं आएगा, तो मैं आखिरी नबी हूँ। इस हदीस में सरकार ने अपने पाँच अस्माए किराम बयान फरमाए, और उनमें सबसे पहला आपने अपना ज़ाती नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको बयान फरमाया। तो ये बड़ा जामे नाम है जो सरकार की बहुत सी खूबियों को और सरकार की ज़ात में जितने कमालात हैं उनको बयान कर रहा है। अलामा इब्न कय्यिम जौज़ी ने दुरूद शरीफ के हवाले से किताब लिखी है जलाउल अफहाम, उसमें उन्होंने बड़े मसले लिखे हैं। और एक मसला उन्होंने ये भी लिखा है कि हमारे नामों में, अल्लाह ताला के नामों में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है? फरमाते हैं, जो हमारे नाम हैं इनमें वो शख्सियत मुराद होती है जिसका नाम है, माना मुराद नहीं होता। मसलन किसी का नाम है अब्दुल्ला, अब उसको बुलाया जाए तो ये जहन में नहीं होता अल्लाह का बंदा, बस अब्दुल्ला जब नाम लिया जाए तो वो मुराद है जिसका ये नाम है। और भी जितने नाम हैं वालदैन ने जिनके नाम रखे हैं, अलामा इब्न कय्यिम फरमाते हैं कि हमारे नामों में जब उसको पुकारा जाए, बुलाया जाए, वो शख्सियत मुराद होती है जिसका नाम है, माना मुराद नहीं होता। लेकिन अल्लाह ताला के जितने अस्माए गिरामी हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने अस्माए गिरामी हैं, इब्न कय्यिम जौज़ी कहते हैं, जब अल्लाह ताला का नाम लिया जाए या नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लिया जाए, वहाँ माना भी मुराद होता है और शख्सियत भी मुराद होती है। अल्लाह ताला के नाम है, अल्लाह है, इसी तरह गफ्फार है, गफूर है, रहमान है, रहीम है, ये जितने नाम अल्लाह ताला के हैं, जब भी इन नामों का जिक्र किया जाएगा माना भी मुराद होगा और शख्सियत भी मुराद होगी। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने अस्माए किरामी हैं, जब सरकार के नाम लिए जाएंगे तो वहाँ सरकार की शख्सियत भी मुराद होगी और माना भी मुराद होगा। इसलिए सरकार का एक नाम है नबी। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदा, कुरान मजीद की आयत है। आपने लफ्ज़ नबी का तर्जुमा भी किया, हमारे पास जो उर्दू के मुतर्जमीन हैं वो लफ्ज़ नबी का तर्जुमा नहीं करते, ऊपर लिखा है या अय्युहन नबी, नीचे लिख देते हैं नबी। लेकिन आला हज़रत के उसूल के मुताबिक तर्जुमा किया, आपने फरमाया कि जब सरकार का नाम लिया जाएगा ज़ात भी मुराद होगी, शख्सियत भी मुराद होगी, माना भी मुराद होगा। तो नबी ये सरकार का नाम है, इसका माना क्या है? आपने लिखा है गैब की खबरें देने वाले, और आगे ब्रैकेट में सरकार की ज़ात भी मुराद ली, वहाँ लिखा नबी, ए गैब की खबरें देने वाले नबी। नबा उनसे ये लफ्ज़ निकला है, नबा उनका माना खबर है। तो लोग कहते हैं कि आला हज़रत ने यह तर्जुमा कैसे कर दिया, बाकी तो किसी ने नहीं किया। तो जिन्होंने नहीं किया उन्होंने सिर्फ लफ्ज़ नबी के लिए नबी लिख दिया, ये भी तो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। और उसूल ये है कि जब सरकार के अस्माए किरामी लिए जाएंगे ज़ात भी मुराद होगी, माना भी मुराद होगा। इस उसूल के मुताबिक आला हज़रत ने जहाँ भी लफ्ज़ नबी का तर्जुमा किया तो उन्होंने लिखा गैब की खबरें देने वाले, और ब्रैकेट में फिर नबी लिख के सरकार की ज़ात भी मुराद दी। इसी तरह जो सरकार का इसमें ग्रामी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये
नाम लिया जाएगा, माना भी मुराद होगा और सरकार की शख्सियत भी मुराद होगी। अब सबसे नबी का माना क्या है? कई मानी और वादे के, और एक माना मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी, ये मौलवी शरफुद्दीन साहब थानवी के मुरीद हुए, तफ़सीर वाजिदी ने लिखी है, यही आयत जो मैंने खुतबे में पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। इस आयत का तर्जुमा और तशरीह करते हुए लफ्ज़ मोहम्मद का उन्होंने माना लिखा है और बड़ा प्यारा माना लिखा है। फरमाते हैं मोहम्मद किसे कहा जाता है? मौलवी अब्दुल माजिद दरियाबादी ने लिखा है, अल्लज़ी इज्तमअ फीहिल खिसाल हमीदा। और ये बड़ा जामे माना है, वो लिखते हैं मोहम्मद उसे कहा जाता है जिस जात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितनी अच्छी खूबियां हैं, अच्छी खसूसियात जितनी भी हैं, वो सारी की सारी जिस एक जात के अंदर जमा कर दी जाए उसे मोहम्मद कहा जाता है। ये सरकार के नाम का माना उन्होंने बयान किया कि जितनी अच्छी खूबियां हैं, जितनी अच्छी सिफात हो सकती हैं, वो सारी की सारी जिस एक जात के अंदर जमा कर दी जाए उसको मोहम्मद कहा जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसकी बड़ी लंबी तशरीह है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को बनाया ही ऐसा है कि हर वो खूबी और हर वो कमाल जो खूबी और कमाल कहलाया जा सकता है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की जात के अंदर जमा कर दिया है। और फिर ये बात भी मौलवी तबाजी तैयबाजी ने लिखी है, वो लिखते हैं कि हर सिफत उसके तीन दर्जे होते हैं, मसलन हुस्न है, शुजात है, बहादुरी है, सखावत है। ये जितनी अच्छी सिफात है हर सिफत के तीन दर्जे होते हैं। वो कहते हैं लिखते हैं कि एक सिफत किसी के अंदर इब्तदाई दर्जे में पाई जाती है, बस मसलन सखावत है, कोई इब्तदाई दर्जे का सखी है, और कोई ऐसा है वो दरमियाने दर्जे का सखी है, और कोई ऐसा है वो सबसे बढ़ के ज्यादा सखी है। मौलवी अब्दुल माजिद दरियाबादी लिखते हैं मोहम्मद उसे नहीं कहा जाता जिसमें खूबी और कमाल इब्तदाई दर्जे का पाया जाए, मोहम्मद उसे भी नहीं कहा जाता जिसमें कोई कमाल और खूबी दरमियाने दर्जे की पाई जाए, और मोहम्मद उसे भी नहीं उसे कहा जाता है जिसमें हर खूबी और हर कमाल इंतहाई दर्जे का पाया जाए। अगर खूबी और कमाल इब्तदाई दर्जे का है उसे हम मोहम्मद नहीं कह सकते, कोई कमाल दरमियाने दर्जे का है उसे भी मोहम्मद नहीं कहा जा सकता। मोहम्मद कहते ही उसे हैं जिसमें हर कमाल हर खूबी इंतहा दर्जे की पाई जाए। वो कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की जात में महज खूबियां नहीं रखी, महज कमाल नहीं रखे, बल्कि रब ने अपने महबूब की जात में हर खूबी और हर कमाल इंतहाई दर्जे का रखा है। और ये मैं अर्ज करता चला जाऊं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को ऐसा बनाया महबूब को बनाने के बाद फिर वो सांचा ही तोड़ दिया है। वैसा कोई नहीं बनाया, ना सरकार जैसा कोई हुआ है, ना है और ना कयामत तक हो सकता है। जैसी खूबियां जैसे कमालात अपने महबूब की जात में रखकर महज कमाल नहीं रखा, हर कमाल इंतहा दर्जे का अपने महबूब की जात में रखा है। यही बात सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान कहते हैं, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना शरीफ में सरकार की खिदमत में 10 साल रहे, 10 साल तक महबूब को देखा। अब जिसने 10 साल महबूब की खिदमत में गुजारे वो क्या गवाही देते हैं कि हमारे आका कैसे हैं? काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अनस फरमाते हैं, अहसन अन्नास अशजा अन्नास अजवद अन्नास। हज़रत अनस फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे लोगों से बढ़ के ज्यादा हसीन और जमील थे, सरकार से बढ़ के कोई हसीन और जमील नहीं हुआ। फरमाते सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे लोगों से बढ़ के ज्यादा बहादुर और शुजा थे, महबूब से ज्यादा शुजात वाला कोई नहीं हुआ, और सरकार सारे लोगों से बढ़ के झूठो सखा करने वाले थे, आज बदल नास सबसे बढ़ के सखावत करने वाले थे। महबूब जैसा ना कोई हमने हसीन और जमील देखा है, ना ही महबूब जैसा कोई शुजा और बहादुर देखा है, और ना ही महबूब जैसा कोई सखी और जवान देखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को ये इंतहा दर्जे के कमालात अता फरमाए, और मोहम्मद होता ही वो है जिसको रब ने हर कमाल इंतहाई दर्जे का अता फरमाया। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने
सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन शानों और इन अजमतों को बयान किया कि सरकार जैसा कोई हसीन और जमील भी नहीं, सरकार जैसा कोई शुजा और बहादुर भी नहीं, सरकार जैसा कोई सखी और जूदो सखा करने वाला भी नहीं है। सरकार कितने हसीन हैं, गोल्डन शरीफा ने ताजदार गोरड़ा पीर सैयद मेर अलशाह साहब रहमतुल्लाह ने उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। हजरत अनस तो वो हैं जो 10 साल सरकार को देखते रहे और ताजदार गोरड़ा ने एक ही मरतबा ज्यारत की थी, और जब ज्यारत की सरकार के हुस्न और जमाल को देखा, खूबी और कमाल को देखा, सरकार की नात लिखी और मक्ते में उन्होंने अपनी हैरत का इजहार किया, ताज्जुब के जुमले इस्तेमाल किए, सुभान अल्लाह मा अजमला का मा अहसना का मा अकमला का, ये सारे ताज्जुब के जुमले हैं। कहते सुभान अल्लाह कैसा हुस्न जमाल है, कैसा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को हुस्न और खूबी अता फरमाई, कैसा कमाल अता फरमाया, मेरे पास वो जुबान नहीं वो लफ्ज नहीं कि मैं सरकार के हुस्न जमाल और खूबी और कमाल को बयान कर सकूं। सुभान अल्लाह मा अजमला का मा अहसना का मा अकमला का, और अपनी आजजी का इजहार करते फरमाते हैं किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख यकीन किथे जा रही है। सरकार ने हुस्न जमाल को बयान करते हुए जिन्होंने देखा वो बयान करते हुए कोई कहता है महबूब करीम अलैहिस्सलाम ऐसे खूबसूरत थे जैसे 14वीं रात का चांद होता है, कोई कहता है ऐसे जैसे चमकदार तलवार की धार होती है सरकार ऐसे खूबसूरत थे, और कोई कहता है नहीं ऐसे खूबसूरत थे जैसे तुलू होने वाला सूरज होता है, सूरज तुलू हो रहा हो जैसी उसकी आंखों ताब होती है। महबूब करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा हुस्न जमाल अता फरमाया, और आला हजरत फरमाते हैं खुर्शीद था किस जोर पर क्या पढ़ के चमका था कमर। खुर्शीद सूरज को कहते हैं, सूरज तुलू हो उसका कैसा हुस्न जमाल होता है आंख उठा के देखा नहीं जा सकता। फरमाते हैं खुर्शीद था किस जोर पर और क्या पढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। जब सरकार का रुख ज़ेबा सामने आया न सूरज अपनी आफ़ताब के साथ सरकार के रुख ज़ेबा का मुकाबला कर सकता है, न चांद अपनी चांदनी के साथ महबूब के उन हसीन चेहरों का मुकाबला कर सकता है। ऐसा हुस्न जमाल है जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। मोहम्मद कहते ही उसे हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर खूबी और हर कमाल कमाल दर्जे का रखा हो। शुजात और बहादुरी ये भी एक कमाल है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को ये कमाल कैसा अता फरमाया, बड़े से बड़ा शुजा बड़े से बड़ा बहादुर वो सरकार के सामने टिक नहीं सकता। सरकार की सीरत में ये वाकया आता है, रुकाना अरब का एक बड़ा मशहूर पहलवान था, बड़ा ताकतवर, और उसका ये रिकॉर्ड था कि कभी मुकाबले में कोई उसे गिरा नहीं सका। सरकार ने उसको जब नबुव्वत तौहीद और रिसालत की दावत दी, उसने कहा कि मैं तो आपको तब नबी मानूं आप मेरे साथ कुश्ती लड़े और मुझे गिरा दें। अब जाहिर है सरकार कुश्तियाँ लड़ने तो आए नहीं थे, सरकार ये जवाब दे सकते थे कि मैं तो नबुव्वत और रिसालत का पैगाम पहुँचाने तौहीद का पैगाम पहुँचाने के लिए आया हूँ, कबूल करते हो तो कर लो नहीं करते तो तुम्हारी मर्जी। अगर सरकार ये जवाब दे देते कोई दानिशमंद आपके जवाब पे इतराज़ नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी तसली तो नहीं हो सकती, उसे तो अपनी शुजात पे नाज था बहादुरी पे नाज था। वो कहने लगा मैं आपको नबी तब मानूंगा आप मेरे साथ कुश्ती लड़े और मुझे गिरा दें, अगर आपने मुझे गिरा दी मैं आपको नबी मानूंगा। सरकार ने फरमाया ठीक है, कुश्ती लड़ी गई, सरकार ने उसे उठा के जमीन पर पटक दिया। वो बड़ा हैरान कि ये क्या हुआ है, आज तक मुझे कोई गिरा नहीं सका और इन्होंने ऐसे उठा के जमीन पे गिरा दिया जैसे बच्चे को जमीन पर रख दिया जाता है। कहने लगा मैं पूरी तरह तैयार नहीं था, सही तौर पे आमादा नहीं था और आपने फौरन मुझे गिरा दिया, एक दफा और कुश्ती लड़ गई। सरकार ने फरमाया दोबारा लड़ लेंगे। दोबारा जब वो तैयार होकर आया आपने फिर उसी तरह उठाया जमीन पर पटक दिया। कहने लगा मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं तैयार नहीं था, अब तो मैं पूरी तरह तैयार था, लेकिन मैं चाहता हूँ एक मरतबा और कुश्ती लड़ लें ताकि मेरी पूरी तसल्ली हो जाए। सरकार ने फरमाया तीसरी बार भी लड़ लेते, जब तीसरी मरतबा कुश्ती हुई रब के महबूब ने फिर गिरा दिया। उसने कहा मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सच्चे रसूल, वाकई रब ने आपको वो खूबियाँ अता फरमाई, मैं वो पहलवान हूँ, पूरे अरब में आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझे गिराए।
और आप पल भर में मेरी जमीन पे गिरा देते हैं। बाकी आप रब के सच्चे रसूल हैं, रब ने आपको ये कमाल भी कमाल दर्जे का अता फरमाया। शुजात और बहादुर महबूब करीम अलैहिस्सलाम की कैसी है? ग़ज़वा खंदक, इसे ग़ज़वा अहज़ाब भी कहा जाता है, मदीना शरीफ के अंदर खंदक होती जा रही है। एक चटान आ गई बड़ी सख्त, सहाबा इकराम बड़े बड़े शुजा, बड़े बड़े बहादुर थे, बड़े जगह कट थे। 10-10 सहाबा सरकार ने एक जगह लगाए कि 40-40 गज खंदक खोदनी है। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं, हमने बड़ी कोशिश की लेकिन वो चट्टान टूटने का नाम नहीं लेती। हम सारे आजिज़ हो गए, रब के महबूब की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूलल्लाह वो चट्टान है इतनी सख्त है कि हम कुदादे मार मार के थक गए हैं और वो टूटने का नाम नहीं लेती। फरमाते हैं, जैसे ही मैंने सरकार की जन्नत में अर्ज की, महबूब करीम अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ ले गए और कुदाल हाथ में पकड़ी, और हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, सरकार ने अल्लाहु अकबर का नारा लगाया और एक कुदाल उसके ऊपर मारी और उसके अंदर से ऐसी रोशनी जाहिर हुई जैसे गुप अंधेरे में कोई चराग रोशन करे तो रोशनी बह जाती है, ऐसी रोशनी जाहिर हुई। और सरकार ने फरमाया, ऊती तो बेवफाती है शाम, मुझे मुल्क शाम की कुंजियां दे दी। फिर सरकार ने अल्लाहु अकबर कहा, दूसरी तरफ लगाई, वो कुछ और टूट गई। सरकार ने फरमाया, ऊती तो बेवफात है किसरा, मुझे ईरान की चाबियां देने के लिए। फिर तीसरी मरतबा आपने अल्लाहु अकबर कहा और तीसरी जरब लगाई और उसे रेजा रेजा कर दिया, और साथ ही फरमाया, ऊती तो बेवफाती है यमन, मुझे मेरे रब ने यमन की चाबियां अता फरमा दी। गोया मेरी उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज्जत वहां तक हुकूमत अता फरमाएगा। ये वो वक्त है जब अपना दिफा मुश्किल नजर आ रहा है, पूरा अरब हमला कर रहा है, मदीना शरीफ के गिर्द खंदक खोदी जा रही है, हालात ऐसे कि अपना बचाव मुश्किल नजर आ रहा है। रब के महबूब उस वक्त ये बशारत दे रहे हैं, गुलामों घबराने की जरूरत नहीं, एक वक्त आएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत मुल्क शाम का गलबा भी तुम्हें अता फरमाएगा, ईरान और फारस में भी हुकूमत तुम्हें अता फरमाएगा, यमन में भी हुकूमत तुम्हें अता फरमाएगा। तीसरी तरफ पे सरकार ने उसे रेजा रेजा कर दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब को ये शुजात और बहादुरी अता फरमाई। इमाम अहले सुन्नत ने इसीलिए फरमाया था, जिसको बारे तो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को हर कमाल कमाल दर्जे का अता फरमाया। तो मौलवी अब्दुल माजिद रियाबादी ने कहा, मोहम्मद उसे कहा जाता है जिसके अंदर खूबियां हो और महज खूबियां हो, हर खूबी अपने इंतहाई दर्जे की जिसके अंदर हो उसे मोहम्मद कहा जाता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को हर कमाल इंतहाई दर्जे का अता फरमाया। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो नाम अता फरमाया, हजरत मौलाना रूम ने बड़ी प्यारी बात लिखी, फरमाते हैं, अगर इस नाम की पूरी जामियत को समझना चाहते हो कि ये कितना जामे नाम है और सरकार के किन किन कमालात का इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इजहार फरमा दिया है, फरमाते हैं, पूरी कायनात में रब ने नबियों को कमाल अता फरमाया, पूरी कायनात में हर मखलूक से नबी अफजल है, नबी से कोई दूसरे मखलूक अफजल नहीं हो सकते। फरमाते हैं, नबियों से फिर रसूल अफजल है, 313 रसूल वो नबियों से भी अफजल है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को सारे नबियों और सारे रसूलों को जो कमालात अता फरमाए थे, फर्दन फर्दन हर नबी को जो कमाल दिया, हर रसूल को जो कमाल दिया, वो सारे कमालात इकट्ठे करके जिस एक जात में रखे उसे मोहम्मद कहा जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बड़ा प्यारा शेर आपने लिखा है, फरमाते हैं, नाम अहमद नाम जुमला अंबिया चूंकि सद आमद बबद पेशवास। फरमाते हैं, जब आप 100 कहते हैं तो 100 वो होता है जिसमें 1 से लेकर 99 तक के तमाम आदात होते हैं, 100 में 10 भी है, 20 भी है, 50, 60, 70, 80 भी है, 90 भी है, 100 में 99 भी है। हजरत रूमी फरमाते, 100 होता ही वो है जिसमें 1 से लेकर 99 तक सारे आदाब मौजूद हो, मोहम्मद होता ही वो है जिसमें हजरत आदम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक के सारे कमालात जिसमें मौजूद हैं, उस हस्ती को मोहम्मद कहा जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला ने इसी को एक तफसीर के साथ अपने एक बड़े मशहूर रात के कलाम में बयान फरमाते हैं कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, आप महबूब से औलिया अफजल, औलिया से रसूल अफजल, खल्क से औलिया,
औलिया से रुसल और रसूलों से आला हमारा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे नबी को निशान अता फरमाई, पूरी मखलूक में कोई ऐसा है ही नहीं जो अपने कमालात के सरकार का मुकाबला कर सके। मुकाबला तुम कैसे करेगा, रब ने वो कमाल किसी और को दिए नहीं जो उसने अपने महबूब को अता फरमाया। तो ये मोहम्मद ये सरकार का इसमें गिरामी है। और हजरत रूमी फरमाते हैं, जब आप सरकार का नाम लेते हो, सरकार की तारीफ करते हो, गोया आपने 124,000 सारे नबियों की तारीफ कर दी कि जितने कमालात अल्लाह ने अपने नबियों को अता फरमाए वो सारे के सारे अपने महबूब की जात में जमा फरमाए। और इसका एक माना और भी है, और ये बड़ा प्यारा माना है, अल्लज़ी युहमदु हमदन बादा हमदिन, मोहम्मद उसे कहा जाता है जिनकी तारीफ लगातार बार बार मुसलसल और मुतवातर की जाए। यही रब ने नाम ऐसा अता फरमाया, इसी को हम देखते हैं सदियां गुजरे, रब भी तारीफ कर रहा है, सारे फरिश्ते भी तारीफ कर रहे हैं, इंसान भी तारीफ कर रहे हैं, हैवान चरिंद परिंद भी तारीफ कर रहे हैं, जमीनों में भी तारीफ जारी, आसमानों में भी तारीफ जारी। कभी मेहमत नाद की सूरत में सरकार की तारीफ हो रही है, कभी मेहमत मिलाद की सूरत में सरकार की तारीफ हो रही है, कभी सीरत और नबी के हवाले से सरकार की तारीफ हो रही है। अरे रब ने नाम ही ऐसा दिया है, सदियां गुजर गई, दिन रात तारीफें हो रही हैं और तारीफ खत्म होने का नाम नहीं है। लोग कहते हैं तुम सरकार का बहुत जिक्र करते हो, बहुत तारीफ करते हो, भाई हम इसीलिए तारीफ करते हैं कि रब ने नाम ही ऐसा अता फरमाया है कि खूबियों वाला जामे नाम अता फरमाया है, इसलिए सरकार की खूबियों की कोई इंतहा नहीं है और सरकार के कमालात की कोई इंतहा नहीं है। इसलिए महबूब करीम अलैहिस्सलाम की तारीफें हमेशा से हो रही हैं, अपने भी कर रहे हैं, बेगाने भी कर रहे हैं। हिंदू गुजरे हैं, हिंदू बड़े बड़े शोरा, वो सरकार का उन्होंने कलमा नहीं पढ़ने के महबूब की तारीफ की है। दिंदू राम भोसले हिंदू शायर गुजरा है, बड़े कलाम है उसके, एक बड़ा प्यारा कलाम उसका, वो कहता है रहमतुल आलमी के हशर में माने सरकार रहमतुल आलमी, ये पता हशर के लिए चलेगा, रहमतुल आलमी के हशर में माने खुले, खल्क सारी शाफे रोजे जजा के साथ है। ये सारी मखलूक अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब की करम नवाजी और सरकार की बारगाह में जाके अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से वो करम नवाजी के तालिब होंगे, रहमत के तालिब होंगे, और वो रहमत मिलेगी महबूब के दरवाजा पे हाजिरी देने से। खल्क सारी शाफे रोजे जजा के साथ है, कौसरी तन्हा नहीं है, मुस्तफा के साथ है, और जो मुस्तफा के साथ है वो किबरिया के साथ है। और आखिर में कहता है लेके दिल्लू राम को हजरत के जन्नत में जब, लेके दिल्लू राम को हजरत के जन्नत में जब, गुल हुआ के हिंदू भी महबूब खुदा के साथ है। अब उसको अपनी बख्शिश का इतना यकीन था कि जब उसका आखिरी वक्त आया, उसने अपने जिदोकार को कहा कि मुझे हिंदुओं की तरह जलाना नहीं, मुसलमानों की तरह दफनाना है। उन्होंने कहा हमने तुझे कभी मुसलमान होते देखा नहीं, तो ये वसीयत क्यों कर रहे हो। कहने लगा अभी अभी मुझे उस नबी की ज़ियारत हुई है जिनकी सारी जिंदगी तारीफें करता रहा, नाते पढ़ता रहा, उन्होंने फरमाया मेरा सना खार हो और दोजख की आग में जले, ये मेरी रहमत को गवारा नहीं, इसलिए कलमा पढ़ मेरे दामन करम में आ जा ताकि तुझे अपने साथ जन्नत मिले। वो कह रहे मैंने कलमा पढ़ लिया है, मैं मुसलमान हो गया हूँ, इसलिए मुझे हिंदुओं की तरह नहीं जलाना, मुसलमानों की तरह दफनाना है। ये सरकार का वो नाम है, दुनिया में नबी बहुत से हुए, किसी नबी का अपनी उम्मत के साथ नाम इतना नहीं चला जितना सरकार का ये नाम महबूब की उम्मत के साथ चला है। आप देखिए ईसा अलैहिस्सलाम यसू मसीह उनका नाम है, ईसाइयों में आपको इतने यसू मसीह नजर नहीं आएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा नाम है उनका, यहूदियों में इस नाम के आपको ज्यादा बंदे नजर नहीं आएंगे। बाकी जितने भी आप गुजरे, आदम अलैहिस्सलाम नाम है उनका, आदम नाम के आपको इतने बंदे नजर नहीं आएंगे, लेकिन ये सरकार का नाम है, आपको मोहम्मद नाम का हर दूसरा बंदा नजर आएगा। मेरा नाम मोहम्मद सुलेन है, मोहम्मद मेरे नाम के साथ है। बाकी जितने देखो, कोई मोहम्मद सलीम है, किसी का क्या नाम, मोहम्मद आपको जरूर नजर आएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब को वो नाम अता फरमा दिया है, महबूब की उम्मत के साथ ये नाम जितना चला है, किसी नबी के किसी उम्मती के साथ नबी का इतना नाम नहीं चला। ये रब ने अपने महबूब को कमाल अता फरमाया है। साहिब कसीदा दुर्दा उन्होंने बड़ा प्यारा शेर लिखा, बातें तो मैंने कुछ और भी लिखी थी लेकिन वक्त नहीं है, उन्हीं का शेर सुना के अपनी गुफ्तगु को खत्म करता हूँ। बड़ी प्यारी बात लिखते हैं कसीदा दुर्दा में, फरमाते हैं
मुहम्मदम व हुवा औवल खल्क मिन दिमाग। फरमाते मेरे वालिद ने मेरा नाम मुहम्मद रखा है और मैंने आका की अहादीस में पढ़ा है। इमाम मोहम्मद शरफुद्दीन कोसी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका कसीदा हम रेडियो में सुनते हैं, टेलीविजन में सुनते हैं, मशहूर मालूम कसीदा, सरकार की बारगाह में मकबूल कसीदा, वो अपने बारे में क्या कहते हैं? फरमाते मेरे वालिद ने मेरा नाम मोहम्मद रखा है और मेरे आका ने फरमाया जिसका नाम मोहम्मद होगा वो दोज़ख की आग में नहीं जाएगा। फरमाते मुझे सरकार की रहमत से उम्मीद है, सरकार मखलूक में सबसे ज्यादा अपना वादा पूरा करने वाले हैं और मेरे वालिद ने मेरा नाम मोहम्मद रखा है, मुझे उम्मीद है कयामत के दिन इस नाम मोहम्मद की बरकत से रब मुझे दोज़ख में नहीं डालेगा। और ये सरकार की हदीस है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस मैंने लिखी भी है, फरमाते हैं अता बी जिब्राइल वकाल या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह युकरा अलैका सलाम व यकूल लका व इज्जती व जलाली ला उअज्जिबु मन सुमिया बिस्मिका बिन्नार। हजरत जिब्रील अमीन मेरी बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ किया रसूलल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सलाम फरमाता है और परवरदिगार आलम फरमाता है मुझे मेरे इज्जत और जलाल की कसम जिसने अपना नाम मेरे महबूब के नाम पे रखा मैं उसे जहन्नम का अज़ाब नहीं दूंगा, उसे जहन्नम का अज़ाब नहीं दूंगा। और साहिब कसीदा खुदा फरमाते हैं इसीलिए आपने देखा कि अक्सर उलमा के नामों के साथ मोहम्मद का नाम आता है, मोहम्मद आता है, क्यों? उन्होंने अहादीस पढ़ी है और अहादीस में नाम मोहम्मद की ये फजीलतें पढ़ी है, ये बरकात पड़ी है, इसलिए उनका नाम मोहम्मद, उन्होंने अपनी औलाद का नाम मोहम्मद रखा है कि जिसका नाम मोहम्मद होगा रब को महबूब की जात से प्यार है तो महबूब के नाम से भी प्यार है और जिसका नाम महबूब के नाम पे होगा महबूब की इज्जत अफजाई बताने के लिए, महबूब की शान और अजमत जाहिर करने के लिए। परवरदिगार आलम फरमाते हैं जिसका नाम मेरे हबीब के नाम पे होगा मैं उसे दोज़ख का अज़ाब नहीं दूंगा। तो अपने नाम के साथ नाम मोहम्मद जरूर रखें, अगर अल्लाह औलाद दे अपनी औलाद का ये नाम रखे, जब तक इस नाम के बच्चे खानदान में रहेंगे खानदान में बरकत होगी और जिसका नाम सरकार के नाम पे होगा कयामत के दिन उसकी बख्शिश यकीनी हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत माबूद-ए-मेरे अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत और इत्तेबा नसीब फरमाए।